Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Sri Shivaji Law College Parbhani. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Evidence. So from today we will discuss the concept of dying declaration, which is discussed under section 32 of Indian Evidence Act. So in the previous videos we have discussed the relevancy of fact as well as the concept of admission and confession. So in this particular video, we will discuss the introduction and form of dying declaration. Okay, this video mein hum introduction as well as form of dying declaration discuss karne wale hai. So, a dying declaration is considered credible and trustworthy evidence based upon the general belief that most people who know that they are about to die do not lie. So a dying declaration is considered and treated as a credible and trustworthy kind of evidence. The reason behind it is that the person who is about to die will not lie. Okay, ये जो dying declaration का जो concept है, dying declaration को एक बहुत ही भरोसे का evidence माना जाता है. उसकी credibility बहुत ज़्यादा है, इसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा मानी जाती है. उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे की वजह ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन मरने वाला है वो झूठ नहीं बोलता. तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इविडेंशरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. सो वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रिलीवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड. सो डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स एनी रिटन और वर्बल स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड. ऐसे पर्सन ने जिसकी डेथ हो गई है वो अपने अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है, वो रिटर्न हो या वर्बल हो, जिसमें अपने डेथ का रीजन बताता है, तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ. सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु एक्सप्लेन इन हिज स्टेटमेंट द सर्कमस्टांसेस इन विच हिज डेथ इज ऑकर्ड. तो ये ऐसा स्टेटमेंट है कि जिसमें मरने वाला अपने डेथ की रीजन बताता है, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई वो बताता है. दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो मॉरिशियस प्रिजमेंटर मेंट्री, मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई ऑन हिज माउथ. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम that the man will not meet his maker with lie on his mouth. तो a person कोई भी अपने बनाने वाले से झूठा मुंह लेकर नहीं मिलेगा. मतलब अपने मुंह पर वो झूठ लेकर नहीं मिलेगा अपने, क्योंकि वो मरने वाला है, उसको पता है, और मरते मरते वो झूठ नहीं बोलेगा. इसलिए dying declaration की credibility decide होती है. Our Indian law recognizes this fact that a dying man seldom lies. इंडियन लॉ में भी ये बताया जाता है कि डाइंग मैन सेल्डम लाइज. डाइंग मैन जो मरने वाला है वो बहुत ही कम ओकेजन पे झूठ बोलेगा, अदरवाइज वो सच्ची बोलेगा. और ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन. और जो भी मरने वाला है वो हमेशा सच ही बोलेगा. इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को इविडेंशियरी वैल्यू है. नाउ केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलीवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड, सेक्शन 32 में ये चीजें बताई हुई है. So a statement, any statement which is written one, verbal or relevant fact made by a person who is dead, who cannot be found and become incapable of giving evidence, whose attendance cannot be procured without delay and expense, that becomes relevant when it relates to cause of death, when it relates to cause of death. So this is a particular chart behind section 32. Any statement, it may be written, verbal or relevant fact made by a person who is dead, who cannot be found, becomes incapable of giving evidence and whose attendance cannot be procured without delay, that becomes relevant when it relates to the cause of death. तो अब यहाँ पर जो थर्ड रो में है हु इज डेड, सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन में सिर्फ वही कंसेप्ट है हु इज डेड.
who cannot be found become incapable of giving evidence, whose attendance cannot be procured without delay. This is the other provision. लेकिन सेक्शन 32 में ये बताया वाला है कि अगर ऐसा पर्सन जिसका स्टेटमेंट ओरल हो या वर्बल हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, और वो पर्सन उसकी डेथ हो गई है और डेथ होते होते उसने अपने डेथ का कॉज बताया है, तो वो रिलीवेंट हो जाएगा. ऐसा पर्सन के जो मिल नहीं रहा है, हु कैनॉट बी फाउंड, वो अगर अपना रीजन बताता है वो रिलीवेंट हो जाएगा. becomes incapable of giving evidence, कोई person evidence दे नहीं सकता है, उसका statement relevant हो जाएगा section 32 में. तो अपने का इस section में specially हमको discuss करना है who is dead, dying declaration की बात हो रही है section 32 में. so how a dying declaration should be, dying declaration कैसा होना चाहिए. so this is no particular form of, there is no particular form of dying declaration. dying declaration का कोई particular form नहीं है. But in short, we can say that a statement made by a person, and if in this particular statement, if the person mention the reason of his death, aisa statement jisme person apni death ka reason bata raha hai ki meri death kyun hui hai, mujhe isne isne mara, agar ye reason bata raha hai aur uske baad uski death ho jati hai, to uska statement dying declaration kehlayega. Ya dusri cheez aisi hai ki if the person in his statement mention the circumstances which resulted his death, this is also dying declaration. या person कुछ circumstances बताता है, एक story बताता है, और वही story में उसकी death हो गई होगी, तो वो भी dying declaration कहलाएगा. For example, एक case में ऐसा ही हुआ था कि एक person ने अपनी wife को ये बताया कि मैं एक particular गांव जा रहा हूँ, वहाँ से एक person के पास से, A के पास से मेरे पैसे आना है, और मैं उससे पैसे लेने के लिए वहाँ जा रहा हूँ. और वो वहाँ पर चला गया, और जाने के बाद दो दिन लौटा नहीं. वो छानबीन करने के बाद पता चली उसकी डेथ बॉडी मिली एक रेल के कंपार्टमेंट में. तो ये जो है, ये जो उसने अपने वाइफ को बताकर गया था कि मैं यहाँ यहाँ पैसे लाने के लिए जा रहा हूँ, और वही सरकमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई. हालाँकि उसने रीज़न नहीं बताया कि उसने मुझे मारा, लेकिन ये जो सरकमस्टांसेस है कि मैं पैसे कलेक्ट करने जा रहा हूँ और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ. तो ये जो सर्कमस्टांसेस है, कोर्ट ने इसको डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया. तो ये दो चीजें हैं, एक तो पर्सन अपने डेथ का रीजन बताता है, डाइंग डिक्लेरेशन है. दूसरा, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस पर्सन अपनी बताता है जिसमें उसकी डेथ हो गई हो, तब भी वो डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट होगा. सो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हाउ अ डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी, डाइंग डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए. सो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है. However, the best form of dying declaration is in the form of question and answer. तो ऐसा तो form कोई decide करके दिया हुआ नहीं है, लेकिन but the best form of dying declaration is in question and answer form. क्या आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपको किसने मारा, किस चीज़ से मारा, ये जो सब चीज़ें है, ये सब चीज़ें बताती है कि हाँ कि ये form होना चाहिए dying declaration का. However, whenever a dying declaration is being recorded in the form of question and answer, precaution should be taken that exactly what question are asked and what answer given by the patient, those should be written. So while recording a dying declaration in a question and answer form, one thing must be kept in mind that what question exactly asked to the patient and what answer he has given, that must be written in the एग्जैक्ट लैंग्वेज. वो एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ होना जरूरी है. क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वही लिखा जाना चाहिए, और जो उसने आंसर दिया पर्टिकुलर वही आंसर लिखा जाना चाहिए. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म. अ डाइंग डिक्लेरेशन मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अ रिटन फॉर्म. It is preferred that it should be written in the vernacular which the patient understands and speaks. The best dying declaration is in a written form. The best dying declaration is written form mein. And it is preferred that it should be written in the vernacular which the patient understands and speaks. Suppose if I understand Hindi, then dying declaration must be written
in Hindi. If the patient understands Marathi, then the dying declaration must be written in Marathi. If the patient understands Tamil, Telugu, then the dying declaration must be written in that particular language which understand to the patient or to the victim. Victim ko jo language aati hai, usi mein dying declaration likha jana chahiye. To written form, pehla hai dying declaration ka. Second one is verbal form. So when dying declaration is a verbal, it can be proved by examining the person in whose presence the statement was made. So verbal dying declaration is also valid. It is also having an evidentiary value. It is admissible before the court of law. And when dying declaration is in verbal form, then who has recorded the dying declaration in verbal form, he must be examined in the court of law. के डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल फॉर्म का अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन है उसको इविडेंशियरी वैल्यू तभी आएगी जब उसको कोर्ट में एज अ विटनेस एग्जामाइन किया जाएगा. तो कोर्ट में उसको एग्जामाइन किया जाएगा, उसके बाद उसकी इविडेंशियरी वैल्यू आएगी ओरल डाइंग डिक्लेरेशन की. सो इन अ केस निसार अहमद फैज मोहम्मद काजी वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात वेयर द डिक्लेरेंट मेंशन द नेम ऑफ द अक्यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर हु गेव हिम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. So in this particular case, the declarant, the deceased, mentioned the name of accused in the presence of doctor who gave him a preliminary treatment. तो यहाँ पर जो doctor उसको preliminary treatment दे रहा था, उसके presence में deceased ने नाम बताया accused का. And the doctor's evidence was found to be very clear and unshaken in any manner in the cross-examination. The dying declaration was held to be reliable. So, doctor ke presence mein usne dying declaration diya tha. The court called the doctor and the doctor examined in the court. And the court found the evidence of doctor was very clear. जो डॉक्टर का एविडेंस था, डॉक्टर का स्टेटमेंट था, वो बहुत क्लियर था. उसको कोई क्रेडिबिलिटी को धक्का नहीं पहुंचा. क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं, क्लियर स्टेटमेंट आया. द डाइंग डिक्लेरेशन वाज हेल्ड टू बी रिलायबल. यहाँ पर कोर्ट ने वो डाइंग डिक्लेरेशन को रिलायबल ट्रीट किया. तो यहाँ पर वही हुआ कि वर्बल डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑल्सो एडमिसिबल, कि वर्बल डाइंग डिक्लेरेशन भी एडमिसिबल होगा. थर्ड फॉर्म इज जेस्चर एंड साइन फॉर्म. So the dying declaration is possible in gesture and sign form also. इशारों में भी dying declaration हो सकता है, gesture में भी dying declaration हो सकता है, और वो भी dying declaration को evidentiary value है. So Queen versus Abdullah, this is the one case. ये case ऐसा है कि जहाँ पर it was held that if the injured person is unable to speak, he can make dying declaration by sign and gesture in response to the question. तो यहाँ पर कि अगर पेशेंट अगर बात नहीं कर सकता तो वो साइन और जेस्चर से भी रिस्पॉन्स कर सकता है क्वेश्चन को. यहाँ पर वो ट्रीट किया गया. इस केस में ऐसा हुआ था कि जो विक्टिम है, जो क्वीन है, उसका अब्दुल्ला ने रेजर से गला काट दिया था. अब गला कटने के वजह से वो बात नहीं कर पा रही थी. तो जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हें किसने, नाम लिया गया दो तीन पर्सन के, इसने मारा क्या, इसने मारा क्या, इसने काटा गला, उसने जेस्चर से नहीं का इशारा किया. और जब उसको नाम लिया गया कि अब्दुल्ला ने मारा क्या, तो उसने हाँ का इशारा जेस्चर किया, यस, तो एडमिसिबल हुआ. फिर उसके बाद उसको बता क्वेश्चन पूछा गया कि किस वेपन से, चाकू से, तलवार से उसको मारा गया क्या, तो उसने नहीं का जेस्चर दिया. और जब उससे पूछा गया कि रेजर से मारा गया क्या, तो उसने हाँ का जेस्चर दिया. तो इस तरीके से उसके रिकॉर्ड किया गया. और एक क्वेश्चन उसको पूछा गया कि तुझे कब मारा गया, जब कॉन्शियस थी तब या जब सो रही थी तब, तो जब सो रही थी तब को उसने इशारा दिया हाँ में. तो ये जब सब जेस्चर थे उसके, ये जेस्चर से उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ एंड द कोर्ट एडमिट दैट पर्टिकुलर डाइंग डिक्लेरेशन. सो दीज साइंस एंड जेस्चर्स आर रिगार्डेड एज वर्बल स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 32. तो ये सेक्शन 32 में वर्बल स्टेटमेंट में साइन और जेस्चर को ट्रीट किया कोर्ट ने. एंड कोर्ट हेल्ड
एडमिसिबल सच टाइप ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इन दिस केस. सो ये केस में कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल किया. सो दीज आर द पर्टिकुलर फॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.